हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक क्वेरी को बेसिकली जो है यहाँ पे बताना चाहूँगी ताकि मेरी सभी ऑडियंस को पता चल जाए इसका आंसर। रिवीजन डेट के ऊपर है। आप लोग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाते होंगे तो उसका फ्रंट पेज देखिएगा, वहाँ पे रिवीजन डेट और रिवीजन नंबर इस तरीके का कुछ वहाँ पे लिखा होता है। तो वो क्या चीज़ है, डेट क्या है? एक्चुअली किसी ने क्वेश्चन किया था, क्वेरी थी किसी की, वो मैं आपको बताती हूँ। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे मेंबरशिप चल रही है। अगर आप मेरे चैनल के कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके मेंबरशिप को ले सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे थैंक्स बटन आ रहा होगा, आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो चलिए ये क्वेरी को आज हम सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। पहले गाइस मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ जो मुझे पूछा गया है। वो ये है कि किसी ने मुझे बोला कि हमारा रीसेंट ऑडिट हुआ और उसमें ऑडिटर्स ने ये पॉइंट आउट किया कि जितने भी SOPs हैं उसमें रिवीजन डेट होनी ज़रूरी है, तो क्या वो रिक्वायर्ड है कि नहीं, उसके बारे में आप ज़रूर बताएं। तो चलिए इस क्वेरी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली रिवीजन डेट जो है वो होनी बहुत ज़रूरी है SOPs में। अब कैसे, अब इसके पीछे की क्या चीज़ें हैं, मैं क्यों बोल रही हूँ ये चीज़ें, ये मैं आपको बताती हूँ विद प्रूफ, ठीक है। तो ISO अगर 9000 आप पढ़ेंगे उसमें कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। अब वो रिक्वायरमेंट्स में क्या है, मैनेजमेंट रिव्यू। अब इसके अंडर क्या है, जनरल पार्ट में क्या आता है, तो ये है कि जो टॉप मैनेजमेंट है, अब ध्यान से सुनना क्योंकि मैं लिख नहीं सकती हूँ, कि जो टॉप मैनेजमेंट है उसने अपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को बेसिकली रिव्यू करना है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर प्लान्ड इंटरवल्स पे हो, ठीक है, ताकि हम उन रिकॉर्ड्स की जो है एडिक्वेसी मेंटेन कर सकें, उसकी इफेक्टिवनेस को मेंटेन कर सकें। ये आपका आता है ISO 9000 में, ये बेसिकली रिक्वायरमेंट्स है। अब आपने कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी, या आप लोग अगर ऑडिटर्स हैं या आप लोग क्वालिटी मैनेजर्स हैं तो आप लोगों ने ये वर्ड ज़रूर सुना होगा, कंट्रोल्ड डॉक्यूमेंट्स। तो कंट्रोल्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ रिवीजन नंबर और रिवीजन डेट। तभी तो हम उसको कंट्रोल कहेंगे कि आपने कंट्रोल किया है, ठीक है। आपकी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कंट्रोल्ड हैं, इसका मतलब ये है कि उसमें रिवीजन नंबर या रिवीजन डेट हो या दोनों हो सकते हैं, तभी हम उस डॉक्यूमेंट को कंट्रोल्ड डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। तो देर हैज़ टू बी अ पीरियोडिक मैनेजमेंट रिव्यू फॉर मैनेजमेंट सिस्टम। तो आपके कोई भी क्वालिटी का डॉक्यूमेंट है, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, उसमें आपके रिवीजन नंबर और रिवीजन डेट होने ज़रूरी हैं। जैसे कि एक एग्जांपल बताती हूँ, आपकी SOP है, ठीक है, कोई भी SOP XYZ, ठीक है, या फिर इंटरनल ऑडिट की मान के चलिए कोई SOP है आपकी, उसमें रिवीजन नंबर 4 है और कब रिवाइज की गई है, 26 जनवरी 2023। तो जितनी बार आपकी SOPs में चेंजेस होंगे, जितनी बार वो रिवाइज होगी, उसका रिवीजन नंबर जो है वो चेंज होता जाएगा। अगर कोई चेंजेस नहीं है आपकी SOP में, तब भी आप रिवीजन नंबर या डेट आपकी SOP में अपेयर होनी चाहिए, ठीक है, सारे कंट्रोल्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए, तभी वो कंट्रोल्ड डॉक्यूमेंट माने जाएंगे, अदरवाइज नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई अमेंडमेंट्स नहीं है आपकी SOPs में, आपके क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में, कोई भी आपके क्वालिटी सिस्टम प्रोसीजर्स में, किसी में ज़रूरत नहीं है इसकी, तो आप रिव्यू का कि मतलब आप ये बताना चाहेंगे कि हमने एटलीस्ट अपनी SOPs में नज़र ज़रूर मारी है, तो कंटिन्यू और रिव्यू करके आप उसमें डेट ज़रूर मेंशन करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि मैनेजमेंट सिस्टम को रिव्यू करने के एविडेंसेस होते हैं, ठीक है, उनकी डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करने के एविडेंसेस होते हैं, और ये बेसिकली डिमॉन्स्ट्रेट किया जाते हैं आपके रिवीजन नंबर या फिर रिवीजन डेट से, ठीक है। और आप इसको मिनट्स ऑफ मीटिंग, जो मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग होती है, उसमें उसके रिकॉर्ड्स में भी आप इसको इंक्लूड करेंगे। तो यस, रिवीजन डेट और रिवीजन नंबर जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है किसी भी डॉक्यूमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए। मेरी आई थिंक एक वीडियो भी है डॉक्यूमेंट कंट्रोल की, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको वहाँ से भी काफ़ी अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। अगर इस तरीके की क्वेरीज होती हैं किसी चीज़ से रिलेटेड तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि इससे क्या है, बाकी ऑडियंस भी बेनिफिटेड हो जाती है अगर मैं इसको वीडियो के थ्रू बता देती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो रिवीजन डेट है इसके बारे में आपको कन्फ्यूजन दूर हो चुकी होगी और सभी को ये चीज़ें पता भी चल गई होगी। तो मैं मिलती हूँ। अच्छा हाँ, अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो ISO 9000 की 5.6 मैनेजमेंट रिव्यू के बारे में पढ़ लीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।